हाय गाइस, दिस इज मी ममता सचदेवा विद ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। और अभी का भी जो टॉपिक है इट्स अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं सुन रखा होगा। आई एम श्योर जिन लोगों के भी चैनल्स हैं कैबिन क्रू पेज के ऊपर या कैबिन क्रू से रिलेटेड, उन्होंने इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई बात की है। सो एनीवे, जस्ट लाइक अदर्स आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई एक्सपीरियंसिस एंड माई थाट्स, मेरा अपना क्या विचार है इन चीज़ों के बारे में, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर सकती हूँ। सो एनीवेज, बिफोर एनी आई मीन वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन। सो मुझे किसी ने पूछा है कि मैम हमें बताइए कि कैबिन क्रू बनने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल पे जब भी किसी ने मुझसे कोई नेगेटिव बात पूछी है कि मैम इसके नुकसान बताओ या ये चीज़ बताओ, तो मैंने हमेशा यही कहा है गाइस, फॉर द मोमेंट बिकॉज आप सब लोग एक अच्छे चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, तो मैं आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहती हूँ। तो आज भी वही दिन है कि आई एम गोना गिव यू सम पॉजिटिव्स ऑफ दिस जॉब, एंड आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव्स नहीं होते हैं, उसके बारे में शायद हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैबिन क्रू बनने के क्या फ़ायदे हैं। तो लेट्स टेक जस्ट द फाइव टॉप फाइव टुडे, जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो नंबर वन, सबसे पहले तो आप बहुत यंग एज में बहुत अच्छा पैकेज कमाने के लायक हो जाते हो अगर आप कैबिन क्रू बनते हो, क्योंकि ओवरऑल चाहे आप डोमेस्टिक कैबिन क्रू हो चाहे आप इंटरनेशनल हो, पैकेजेस जो एयरलाइंस के रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो डेफिनेटली सैलरी इज द नंबर वन बेनिफिट, गुड सैलरी गुड पैकेज यू गेट एट अ वेरी वेरी यंग एज एंड विद मिनिमम क्वालिफिकेशन आई वुड से, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, सो वेल डन फॉर दैट। सो नंबर टू, नंबर टू में आता है हमारा आपको जो फाइव स्टार होटल्स में रहने को मिलता है। इंडिया में भी जिन लोगों के लेओवर्स रहते हैं उनको फाइव स्टार्स प्रॉपर्टीज़ में रहने का मौका मिलता है। फाइव स्टार होटल अगर आप नॉर्मल डे में कभी भी एक दिन के लिए बुक करने के लिए जाते हो तो अराउंड 15,000 से 20,000 रुपये या 25,000 रुपये उसका रेंट रहता है एक रात का, अराउंड ऑन एन एवरेज फाइव स्टार प्रॉपर्टीज़ का। और एक कैबिन क्रू को हर रोज़ डिफरेंट होटल्स में रहने का मौका मिलता है और हाई प्रोफाइल सर्विसेज, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन यंग एज विद लॉट्स ऑफ मनी एंड प्लस फाइव स्टार एक्सपोजर इज़ द बेस्ट थिंग। सो नाउ लेट्स कम टू नंबर थ्री, आपको सैलरी मिल गई, आपको फाइव स्टार होटल्स मिल गया, उसके अलावा आपको अ लॉट टू ट्रैवल। तो आप जगह जगह पे जब ट्रैवल करते हो तो वहाँ के बारे में आपको पता चलता है, जगह के बारे में, कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ के लोकल डायलॉग्स के बारे में, कल्चर के बारे में, तो लॉट्स ऑफ एक्सपोजर इज देयर फॉर अस। तो कैबिन क्रू बनने के बाद आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, कि आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको कभी भी किसी की कही हुई बात को आप उसको लेबल नहीं करोगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप बिलीव मी, आप डे बाय डे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप सिर्फ एक जगह पे उठ के वहीं सुबह काम करने गए और वहीं नहीं शाम से सेम क्लिक्स के बीच में नहीं है, आप डिफरेंट क्लिक्स के बीच में, आप डिफरेंट लोगों के साथ हैं और डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो उसमें एक फन पार्ट भी रहता है और बहुत कुछ लोगों से सीखने को मिलता है। तो ये था नंबर थ्री। सो कमिंग टू द नंबर फोर, आई एम जस्ट लुकिंग एट माई लिस्ट बिकॉज आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से, सो आई एम जस्ट पिकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो नंबर फोर मेरी लिस्ट में है, मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में कितने लोग हैं जो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस खुद करा के रखते हैं? बहुत कम। तो आपको एयरलाइन में काम करने के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस होना भी मस्ट होता है, तो वो आपको मिलती है। तो उसमें कंपनी ज्वाइन करने से पहले जो आपके वैक्सीनेशंस वगैरह है वो कवर हो जाते हैं, या और भी आपका रूटीन चेकअप आप डे टू डे कराते हो, तो उससे आपकी हेल्थ भी फिट रहती है और मेडिकल इंश्योरेंस होना इज़ अ बेनिफिट। सो दैट इज़ द नंबर फोर बेनिफिट आई जस्ट सेड। सो नंबर फिफ्थ, ऑफकोर्स यू गेट टिकट्स। आई एम नॉट सेइंग यू गेट फ्री टिकट्स इन ऑल एयरलाइंस, क्योंकि कुछ एयरलाइंस में, आई थिंक इंडिया में कुछ एयरलाइंस में सिर्फ आप टैक्स पे करते हैं टिकट्स के ऊपर एंड यू कैन बाय एनी टिकट। और यहाँ पे इंटरनेशनली क्या होता है, हमें एक टिकट फ्री मिलती है साल की, लेकिन उसके अलावा हमें डिस्काउंटेड टिकट्स मिलती हैं जो मार्केट प्राइस से कम रेट्स पे होती हैं और हम उनको बुक कर सकते हैं एंड वी कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। और जहाँ पे भी डेस्टिनेशन जो भी आप कवर करना चाहते हैं, अगर आपका कहीं कज़न रहता है, फ्रेंड रहता है, कोई रहता है, तो आप एक आराम से टिकट अपनी कंपनी से बुक कर सकते हैं और उसकी सैलरी आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगी, बाद में आपको इंस्टेंटली भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे हिसाब से गाइस, दीज वर द फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो मैं याद कर सकती हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन
जस्ट लाइक एनी अदर जॉब, हर चीज में गुड्स एंड बैड्स रहते हैं. चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हो, चाहे आप कैबिन क्रू बन रहे हो, चाहे आप कुछ भी बन रहे हो, लाइफ में हर चीज के फायदे और नुकसान साथ में ही आते हैं. आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये बस इसके फायदे ही मुझे मिलेंगे तो मैं ये काम करूंगा. ऐसा नहीं होता है, हर चीज के फायदे और नुकसान रहते हैं. सो ये थे मेरे टॉप 5 फायदे कैबिन क्रू बनने के. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना मत भूलिए. बाय बाय.